लग चौरासियो निया मानुष जन्म पायो और कहना नक नाम संभाल सोधी मेरे आयो कि धनियो मनियो जाएगो जैसी उन्नती कपूर नारायण गोपाल भज तू क्यों चाटते धन योवन यो ही चला जाएगा और संसार में अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो वादा करके आए हैं वो वादा निभाने के लिए भगवान कृपा करके सत्संग स्थान पर जाने के लिए हमें आपको ये अवसर मिला हुआ है आओ तो दो बार भगवान का कीर्तन बोलते हैं सभी भक्त तालियां बजाकर बोलेंगे बड़े प्रेम से कि दिल में समाए गयो शाम मुझे
विराजमान है और अपने मधुर वाणी से अभिमन पुत्र परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराते हैं। हे राजन परीक्षित, कि श्री कहते हैं राजन श्रीमद् भागवत है सबका शरताज, शिष्य ही बन जाएंगे एक पंथ दो काज। राजन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सारे शास्त्रों का शरताज है, जिसके श्रवण मात्र से मानो संसार रूपी सागर से भटक कर यदि किसी ने भागवत कथा को श्रवण कर लिया वो बहुत सागर से पार हो जाता है। भागवती साक्षात श्री कृष्ण का रूप है और राधा के बिना श्याम नहीं रहते, श्याम के बिना भगवान कृष्ण नहीं रहते। राधा है आत्मा, कृष्ण परमात्मा, एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये भागवत कथा आत्मा और परमात्मा का मिलन सिखाती है। भागवत बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत सुंदर जोड़ी होती है राधा और श्याम की, किसी भजन में गाए हैं।